नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्मार्ट टीवी पर स्मूथली वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए कितना स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं आती है तो फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत बेकार लग सकती है। हमें कितना स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन और इसका प्लान को बाय करना चाहिए अपने घर के लिए, बात करेंगे आज इस वीडियो में डिटेल्स। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे हैं टेक एल डिविजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। सो नाउ द सेम क्वेश्चन, कितना इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए और कौन सा कनेक्शन यानी कौन सा प्लान हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको तीन एप्लीकेशन से जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, नॉर्मली और भी बहुत सारे एप्लीकेशन से जो रेगुलर यूज किया जाता है, बट तीन जो मेजर एप्लीकेशन है आपको, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, सबसे पहले इन तीन एप्लीकेशन का वीडियो रिजोल्यूशन का हिसाब से कितना इंटरनेट कंज्यूम होगी उसका बारे में बात करेंगे, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कितना इंटरनेट स्पीड का प्लान को बाय किया है और क्या क्या कंटेंट वॉच करता हूँ, और सभी के लिए कौन सा इंटरनेट प्लान यानी कौन सा इंटरनेट स्पीड सही रहेगी होम के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स। सो जैसे कि आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं, नेटफ्लिक्स का अगर आप HD चैनल देखोगी तो फिर आपको 1.5 to 3 MBPS जो है कंज्यूम होगी। सिमिलरली अगर HD का बात करें तो फिर यहाँ पर आपको 3 MBPS से लेकर 10 MBPS तक कंज्यूम होगी, और यहाँ पर अगर 4K अल्ट्रा HD अगर आप कंटेंट को स्ट्रीमिंग करोगी तो फिर 25 MBPS आपको कंज्यूम होगी। सिमिलरली अगर आप Amazon प्राइम वीडियो का बात करें तो फिर अगर आप HD कंटेंट देखोगी तो पर सेकेंड आपको 1 से लेकर 3 MBPS तक कंज्यूम होती है। अगर HD कंटेंट पर आपको 3.5 to 5 MBPS तक कंज्यूम होती है पर सेकेंड, और आपको 4K अल्ट्रा HD पर आपको 20 MBPS आपको कंज्यूम होगी। और अगर नंबर 3 यूट्यूब का बात करें, अगर HD 360p पर आप देखोगे तो 0.7 MB, सिमिलरली अगर HD 480 रिजोल्यूशन पर देखोगे तो 1.1 MBPS, और HD 720 रिजोल्यूशन पर देखोगे तो फिर 2.5 MBPS, और HD 1080 पर देखोगी तो इसका जो रहेगी 5 MBPS स्पीड का जरूरत है। सिमिलरली अगर 4K पर देखोगी तो फिर 20 MBPS का इंटरनेट स्पीड आपको जरूरत है। ये कुछ इंटरनेट स्पीड जो है रिक्वायर्ड अप्रोक्स में आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अगर आप ये 3 एप्लीकेशन का हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड अगर देखेंगे 4K अल्ट्रा HD पर 25 MBPS नेटफ्लिक्स कंज्यूम करता है, तो क्या हमें 25 MBPS का कनेक्शन बाय कर लेना चाहिए इंटरनेट स्पीड? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर घर के लिए इंटरनेट ले रहे तो सिर्फ और सिर्फ आप स्मार्ट टीवी यूज करेंगे ऐसा नहीं है, आप स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हो। फैमिली है मतलब कम से कम 4-5 स्मार्टफोन जो है उसी राउटर के साथ कनेक्शन होगी, प्लस आपका स्मार्ट टीवी कनेक्शन होगी। सो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस होने के लिए आपको मिनिमम जो इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, आप अगर घर के लिए बाय कर रहे हो तो है 40 MBPS का कनेक्शन बाय करना। मैं उसी को ही यूज कर रहा हूँ जिसका प्लान रहती है 650, हो सकता है आपका एरिया पर प्राइस का वेरिएशन हो, बट आप 40 MBPS इंटरनेट कनेक्शन बाय करना अपने होम के लिए अगर आप बाय कर रहे हो तो। सो दैट जैसे कि मैंने आपको बताया आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सकती है। यही था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट यूजफुल होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।